हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? अच्छे हो? और मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, एचकेजी क्लास की। आपको याद है? और आपने वर्क किया कि नहीं किया? तो जिस जिसने भी वर्क नहीं किया है ना, वो फटाफट अपना वर्क कंप्लीट कर ले। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश विद सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये रही आपकी इंग्लिश रीडर बुक। ठीक है, और आज का टॉपिक है हमारा लुक एंड राइट, देखो और लिखो। तो इसमें तो हमें बहुत मजा आती है ना। हमें पिक्चर्स देख के हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, और लिखने में भी हमें बहुत मजा आती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो बच्चों, ये आपकी इंग्लिश रीडर बुक है। फटाफट से अपनी बुक ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और इरेजर ले लीजिए, और ओपन करिए पेज नंबर 4। कौन सा पेज नंबर 4? ये आपको दिख रहा है? ओके, तो इसमें सारी पिक्चर जो बनी है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे बना दी है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। पहले हम इसे रीड कर लें। जो ऊपर फर्स्ट लाइन लिखी है वो लिखी है, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स, यूज देयर लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। इसमें लिखा है कि हमको यहाँ बहुत सारे वर्ड्स लिख के दिए हैं। हाउ मेनी वर्ड्स? कितने? 1, 2, 3, 4, 5। 5 पिक्चर्स बनी है और 5 वर्ड्स लिख के दिए हैं। तो हमें इन एक वर्ड से, इन सारे वर्ड्स में से एक वर्ड, जैसे मान लो लिखा है एरोप्लेन, इससे हमें और भी 2 वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती जा रही हूँ और आप बुक पर राइट करते जाएंगे। एंड फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू पुट डेट हियर। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्क करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख रहे हैं पिक्चर बनी है एरोप्लेन। सबको पता है ना एरोप्लेन? हवा में ऊपर सबको दिखता है ना, आसमान पे। ओके, एरोप्लेन की स्पेलिंग है AER OP LANE, एरोप्लेन। सबको बुक में दिख रही है? तो अब हमको इससे 2 वर्ड्स बनाने हैं। तो खूब सारी स्पेलिंग्स बनती हैं। अब हमें देखना है इससे कौन सी स्पेलिंग बनेगी। तो सबसे पहले आपको एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है कि कौन सी स्पेलिंग बनेगी। तो जो फर्स्ट स्पेलिंग मैं बना रही हूँ, वो बना रही हूँ ONE। आप भी लिखिए ONE। अब ये बताइए ONE क्या बन गया? 1, है ना? तो देखो, एरोप्लेन की स्पेलिंग में 1 छुपा हुआ था। अब दूसरी स्पेलिंग हम क्या बनाएंगे? PLANE, प्लेन। PLANE, प्लेन। प्लेन से मतलब जैसे कोई प्लेन सरफेस हो, या एरोप्लेन से आप प्लेन समझते हो। तो ये हो गए एरोप्लेन की स्पेलिंग से 2 वर्ड बन गए। पहला कौन सा बना? 1, ONE 1, और सेकंड कौन सा बना? PLANE, प्लेन। तो अपनी बुक्स पे जहाँ जहाँ पर भी ब्लैंक ऐसे दिया हुआ है, वहाँ आप राइट करिए। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड पिक्चर। किसकी बनी हुई है, जल्दी बताइए? बटरफ्लाई, है ना? सबको पता है बटरफ्लाई, तितली। तो बटरफ्लाई की स्पेलिंग होती है BUTTERFLY, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई से हमें 2 स्पेलिंग बनानी है। तो सबसे ईजी है ये बटर। सबसे पहली स्पेलिंग कौन सी हो गई? बटर, BUTTER। सबको पता है बटर, बटर मीन्स मक्खन, सबको पता है ना? अब हम दूसरी स्पेलिंग बनाएंगे फ्लाई, FLY, फ्लाई, है ना? फ्लाई मतलब उड़ना,
बटर मतलब मक्खन, बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई के स्पेलिंग से दो और वर्ड्स बन गए, है ना। अब थर्ड, लुक एट द थर्ड पिक्चर, व्हाट इज दिस, हनी बी। हनी बी से आप क्या समझते हैं, मधुमक्खी, है ना। तो हनी बी की स्पेलिंग क्या है, एच ओ एन ई वाई बी ई ई, हनी बी। अब इसकी स्पेलिंग भी बटरफ्लाई की स्पेलिंग के जैसे बहुत सिंपल है। अब हमें इससे दो स्पेलिंग्स बनानी है, दो वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हनी, एच ओ एन ई वाई, एच ओ एन ई वाई, हनी। हनी मीन्स शहद, है ना। अब हम सेकेंड वर्ड बनाएंगे, बी, बी ई ई, बी मतलब मक्खी। तो ये हो गई हमारी हनी बी से दो वर्ड्स बन गए। अब हम इधर आएंगे, लुक एट हियर। अब आपकी फोर्थ जो पिक्चर है वो क्या बनी हुई है, एलिफेंट। आप सबको एलिफेंट पता है ना बच्चों, है ना। एलिफेंट की स्पेलिंग होती है ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। अब एलिफेंट से हम दो स्पेलिंग्स बनाएंगे, मीन्स दो वर्ड बनाएंगे। अब बनाइए, ई एल ई नहीं बन रहा है, पी एच ए, खोजिए खोजिए कुछ बनाइए। अब हम बनाते हैं, सबसे पहले स्पेलिंग हम बनाते हैं ए एन टी आंट, ए एन टी आंट, ए एन टी, ए एन टी आंट। आंट मतलब चीटी, आंट मतलब चीटी। और दूसरी स्पेलिंग हम बनाएंगे पी एल ए एन टी, प्लांट। एक ये बन रही है आंट और पी एल ए एन टी, प्लांट। आंट मतलब चीटी और प्लांट मतलब पौधा या पेड़। अब लुक एट द लास्ट पिक्चर, क्या बना हुआ है, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा। ऑरेंज की स्पेलिंग है ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, है ना। अब इससे हम टू वर्ड्स बनाएंगे, ओके। अब आप सर्च करो, देखो कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब मैं बनाती हूँ, सबसे पहला वर्ड बनता है ए जी ई, ए जी ई, क्या बना, एज। एज मतलब हमारी उम्र, हम कितने साल के हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एज। तो ऑरेंज से कौन सी एक स्पेलिंग बन गई, एज। अब ऑरेंज से हम दूसरी स्पेलिंग बनाएंगे आर ए एन जी ई, रेंज। आर ए एन जी ई, ओ आर ए एन जी ई, रेंज। रेंज मतलब किसी चीज के बारे में फिक्स करना कि ये इतना लंबा है या इतनी दूर तक जाएगा, उसे हम रेंज बोलते हैं। तो आज हमने कौन सा वर्क किया, लुक एंड राइट। आपके पास बुक है इंग्लिश रीडर, सबको अब पेज नंबर 4 ओपन करके सारी पिक्चर्स देख के एक स्पेलिंग से, एक वर्ड से दो नए वर्ड बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का वर्क आपका, और आपको सबको करना है, ओके। थैंक यू।